सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में भले ही कैसा भी मोड़ आए मगर आप अपने जीवन पर हमेशा विश्वास रखना, क्योंकि जीवन में आप जिस समस्या से निकलोगे वही समस्या भविष्य में आपका कवच बनकर आपकी रक्षा करेंगे। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको साथ समय और समर्पण दिए हों। इंसान का जमीर और शतरंज का वजीर एक जैसा होता है, क्योंकि अगर दोनों मर गए तो खेल खत्म। आज का पंचांग 5 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि सुबह 7:49 तक रहेगी। स्वाति नामक नक्षत्र रात्रि 9:33 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। आप सभी को नवरात्रि की तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर मां चंद्रघंटा की कृपा बनी रहे। धनु राशि 5 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, अच्छा आप में कुछ करने और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा बनी हुई है। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करने का आपका समय बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त हो पाएंगी। आप अपने शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के समय मदद कर पाएंगी। कुछ अनुभवी और वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में रहने का मौका मिलेगा। उत्तम जानकारी भी हासिल होगी। इस समय किसी भी कार्य को जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से करने का प्रयास करें। किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। काम से संबंधित बातें सरलता से आगे बढ़ेगी। फिलहाल अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखते हुए जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं उन्हें स्वीकार करें। जिस तरह से मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता आएगी वैसे वैसे अन्य बातों पर ध्यान देना आपके लिए संभव हो सकता है। किसी भी व्यक्ति की मदद करते समय अपने काम को नजरअंदाज ना करें। काम से संबंधित नकारात्मकता बढ़ सकती है, इस कारण काम पर ध्यान देना कठिन लगेगा। पार्टनर के स्वभाव को समझकर उनकी गलतियों को माफ करना सीखें। आज आप कार्य क्षेत्र में अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगी। लोग आपके लिए नए सुझावों का स्वागत करेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। संतान के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगी। आपको अपने सहयोगियों से मित्रों जैसा व्यवहार करना होगा। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलाएगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर कोई गलत आरोप लग सकता है जिसमें आपको अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखनी होगी। कहीं भी वाद विवाद की स्थिति बनने पर उसे सुलझाने की कोशिश करें, वरना इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध भी खराब हो सकते हैं। किसी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों का निवारण करने में आपके अपने कार्य रुक सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में अनुशासनपूर्ण वातावरण रहेगा। जीवन साथी तथा परिवारजनों का आपको उचित सहयोग भी मिलेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के लिए समय निकालना जरूरी है। प्रेम से संबंधित ग्रह अपने चरम पर है और इस कारण ये एक रोमांचक और साथ ही दीवानगी से भरा समय होने जा रहा है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। अपने साथी के साथ कुछ खास योजना बनाएं या उसे आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ प्रयास करें और यकीन माने यही चीज बराबर उत्साह के साथ आपका साथी आपको लौटाएगा। ये समय अपने प्यार के जीवन पर पूरा ध्यान समर्पित करने का समय है। बात करते हैं करियर की। अच्छा आपको अपने आय और व्यय का संतुलन करना मुश्किल होगा। आप अपनी आय की वृद्धि के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू करने के लिए भी ये सबसे अच्छा दिन है। आपको अपनी पसंद के हिसाब से कुछ कार्य मिल सकता है और यह अगले कुछ वर्षों में आपके प्राथमिक कार्य बनने की क्षमता रखता है। इस बीच आपको अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के क्रम में कुछ खर्चों के साथ
संतुलित रहना होगा। आज रुका हुआ पैसा पाने के लिए अच्छा दिन है। नया ऑर्डर या डील फाइनल हो सकती है। अपनी कोई भी योजना दूसरों से शेयर ना करें। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को पब्लिक संबंधित कार्यों में परेशानी आ सकती है। बात करते हैं सेहत की। आज आप ऊर्जा से भरे हैं, जो आपके काम में भी साफ दिखाई देगी। आप सामान्य रूप से अच्छी सेहत का आनंद उठा रहे हैं। आप स्वास्थ्य संबंधित किसी ऐसे काम की योजना बना सकते हैं जिसे आप पिछले कुछ समय से करना चाह रहे थे। आपको इसके लिए धूप में निकलना पड़ सकता है, इसलिए अपने साथ एक छाता रखें, नहीं तो आपको शाम तक सिर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।